दोस्तों आज सबसे डिमांडिंग वीडियो बनने जा रहा है। जब से थार रॉक्स लॉन्च हुई है उसका रिव्यू और एक्सपीरियंस यूट्यूब पे शो किया गया है, तब से पता नहीं एक सवाल सबके दिमाग में जरूर आया होगा कि हमें स्कॉर्पियो एल लेनी चाहिए या महिंद्रा थार रॉक्स लेनी चाहिए। अब बात करते हैं इंटीरियर स्पेस की, तो सबसे पहले बूट की ही बात कर लेते हैं। तो थार में आपको कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिलेगा, वहीं अगर हम स्कॉर्पियन की सीट फोल्ड करके देखते हैं तो आपको इतना स्पेस देखने को मिलेगा। देखा जाए तो स्कॉर्पियन में आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देखने को मिलेगा। अब चलिए अंदर चलते हैं। तो दोनों गाड़ियों में काफ़ी अंतर है, दोनों गाड़ियों का फील अलग है। थार की स्पेशली बात करते हैं तो पहले के मुकाबले ज़्यादा प्रीमियम हो गई है, जिसमें आपको सॉफ्ट मटेरियल वगैरह मिलते हैं जो कि आपको पुरानी वाली थार में देखने को नहीं मिलते थे। फीचर्स की बात करते हैं तो स्कॉर्पियन से ज़्यादा फीचर्स आपको थार में देखने को मिल जाएंगे, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाएगा, सनरूफ मिल जाएगी, पेनारोमिक लेवल 2 एडास देखने को मिल जाएगा और 360 डिग्री कैमरा भी देखने को मिल जाएगा थार रॉक्स में, जो कि ये सारे फीचर मिसिंग है कि स्कॉर्पियो एन में। और कुछ इस तरीके के आपका डिज़ाइन वगैरह मिलता है। और जो लोग थार रॉक्स की टेस्टिंग कर रहे हैं उन्होंने बताया कि थार का जो सीटिंग कंफर्ट है वो उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि थार का जो सीटिंग थाई सपोर्ट वगैरह है वो ना के बराबर लग रहा है। एक छोटा आदमी भी, मतलब 5-6 या 5-7 इंच का आदमी भी सही से नहीं बैठ पा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है। अब चलते हैं स्कॉर्पियो एन के इंटीरियर में। स्कॉर्पियो एन का भी इंटीरियर काफ़ी अच्छा है, लेकिन थार के कंपैरिजन में स्कॉर्पियो एन में ज़्यादा आपको स्पेस देखने को मिलता है। सीट्स में आपको काफ़ी अच्छा कंफर्ट मिलता है, लेग रूम भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। पोस्चर की बात करते हैं तो थार के कंपैरिजन में आपका पोस्चर भी काफ़ी अच्छा है मिलता है आपको स्कॉर्पियो एन में। थार रॉक्स में जो सबसे ज़्यादा मुझे कमी लगती है वो है उसका वाइट इंटीरियर, जो कि एक ऑफ रोडिंग गाड़ी के हिसाब से काफ़ी बेकार लगता है। अगर आप ऑफ रोडिंग करोगे तो गाड़ी में मिट्टी वगैरह तो लगेंगी, तो इंटीरियर खराब होने का ज़्यादा चांसेस है। फीचर्स की बात करते हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही स्कॉर्पियो एन को अपडेट किया गया था, जिसमें आपको वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं, फ्रेमलेस IRVM देखने को मिलता है। और अब ये गाड़ी अपग्रेड मांग रही है एडास का, क्योंकि इससे छोटे सेगमेंट की गाड़ियों में आपको एडास देखने को मिलता है और इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से आपको इसमें 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता है, तो ये थोड़ी सी सोचने वाली बात। अब आउटर लुक की बात करते हैं तो थार का अप्रोच एंगल भी ज़्यादा है, थार का ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है, थार का डिपार्चर एंगल भी ज़्यादा है एन से। और वहीं आप अगर ऑफ रोडिंग के शौकीन हो तो थार में आपको टायर अपग्रेड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसमें ज़्यादा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। आप 19 इंच 20 इंच आराम से लगवा सकते हो। वहीं अगर हम स्कॉर्पियो की बात करते हैं तो उसमें आपको ऑल्ट्रेशन करा के ही आप कोई टायर वगैरह लगवा सकते हो। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको थार रॉक्स में अच्छी मिल जाती हैं। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो थार रॉक्स का इनिशियल पिकअप काफ़ी अच्छा है डीजल वाली 4x2 की, और स्टेयरिंग रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा है स्कॉर्पियो एन के कंपैरिजन में। थार रॉक्स के इंजन और गियर बॉक्स को काफ़ी स्मूथ किया गया है, क्योंकि भाई थार जो है वो एक लेटेस्ट प्रोडक्ट है और स्कॉर्पियो एन को आए हुए लगभग 2 साल के आसपास हो रहे हैं। और थार की ब्रेकिंग की बात करते हैं तो ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी शार्प एन की ब्रेकिंग है। थार रॉक्स के सस्पेंशन में आपको काफ़ी अच्छा कम्फर्ट देखने को मिले, झटके और जर्क्स फील नहीं होंगे जितने आपको स्कॉर्पियो एन में फील होंगे। तो कुछ ये सारी चीज़ें थी जो आपको थार रॉक्स में अच्छी देखने को मिल जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो आपको स्कॉर्पियो एन में देखने को अच्छी मिल जाती। बाकी सारी चीज़ें हमने शेयर कर दी है, तो बहुत ही बड़ा डिसीजन फैक्टर है कि अब कौन सी लेनी चाहिए हमें। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप बिल्कुल मत लीजिए, जो मैं कहता हूँ आप वो ना करिए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से गाड़ी चुनिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए जो आपके बजट पे अच्छी बैठ रही हो, स्कॉर्पियो एन या थार। आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो, आपकी फैमिली बड़ी है तो आप स्कॉर्पियो एन की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें स्पेस आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। अगर आपके पास एक अल्टरनेटिव गाड़ी है जिसे आप अपग्रेड करना चाहते हो थार पे या वीकेंड वगैरह पे, एक यूनिक गाड़ी रखना चाहते हो, तब आप थार की तरफ जा सकते हो। वैसे थार में भी आप काफ़ी कंफर्ट देखने को मिलेगा, लेकिन थार एक ऑफ रोडर गाड़ी है। तो ये मेरा कुछ पर्सपेक्टिव था थार रॉक्स के लिए और स्कॉर्पियो एन के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।